पिताजी का नाम तारा सिंह है। 14 वर्ष पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मेरा राज करता है। मुझे किसी भी चीज का कमी नहीं है। भगवान की दुआ से मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ करके इस दुनिया से गया है। और मेरा नाम धीरज सिंह राजा पड़ता है। मेरा ससुराल मानिकपुर शहर पड़ता है। साला का नाम उमा चंदाजा पड़ता है। मेरा शादी एक ही बचपन में मेरे पिताजी मानिकपुर शहर में कर दिया। जब उमा चंद मेरे साला का पिताजी जब स्वर्गवास हो रहे थे, उसी वक्त मेरे पिताजी से आकर के बात किए और मेरा शादी उसी वक्त तय कर दिया। आज मैं निजी भाग रात में सोया हुआ था, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे प्रिय मेरे रानी मेरे अर्थांजलि बहुत ही कष्ट में है। आज मुझे सुरता लगा है कि मैं अपने धारी ससुराल को जाऊं। मैं यहां से अपने ससुराल को जा रहा हूं। आज भैया
ससुराल को आया हूं तो रास्ते में ये नेमत चल भैया मेरे साले साहब का है और यहां पे बहुत ही दरख्त लगे हुए हैं, वृक्ष लगे हुए हैं और ठंडा मौसम है। मैं धूप से आया हूं, दिल करता है कि थोड़ा आराम कर लूं और उसके बाद मैं अपने ससुराल को जाऊंगा। स्वामी जी आप जो इस नेमोचर बाजार में आके सो गए हैं आपको कुछ पता नहीं है। स्वामी जी मैं सात सहेली मिलकर के इस नेमोचर बाजार में आई थी सिख उतारने के लिए। अचानक किसी चोर चंडाल ने मुझ पर हमला किया और मुझे मार डाला। स्वामी जी आप उठ करके इस तीन पोर के बांस को नीचे वाले पोर को नीचे छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पोर को ऊपर छोड़ दीजिए और उसका एक बांसुरी बना लीजिए। अब जब बांसुरी बनाएंगे उसमें जब आवाज देंगे तो मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। मैं जब यहाँ सो रहा था तो मैंने स्वप्न में देखा कि मेरी पत्नी ने मुझसे कह रही है कि मैं तीन पोर के बांस बन के खड़ी हूँ, आप मुझे काट लीजिए और उसका बांसुरी बना करके बजाइए, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। ठीक है, मैं करके देखता हूँ। Yeah!
आप कहाँ जा रहे हैं? रानी, यही तो विधि का विधान है रानी। स्वामी जी, मैं भी एक धर्म पत्नी हूँ, मेरी नाम झूला सतवर्ती है। स्वामी जी बोलो। मैं पतिव्रता नारी हूँ, आप मेरे पतिदेव हैं। आप क्या मणिपुर शहर को जा रहे हैं? हाँ हाँ प्रिय, मैं तो मणिपुर शहर को जा रहा था कि मैं अपने पति को वहां से विदाई करके अपने घर को ले जाऊं। लेकिन प्रिय सारे जी, जब मैं यहां आया तो मैंने मुझे ये दृश्य देखने को मिला कि मेरी प्रिय का हत्या हो चुका है। सारे जी, हाँ हाँ प्रिय, क्या बताओ सारे जी? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं अवश्य बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा हत्या कैसे हुआ और क्यों हुआ, किसने किया, उसका नाम बताओ मुझे। मैं सास सखी मिलकर के आई थी नेमो चरवैया सिक्की तारने के लिए। स्वामी जी, नेमो चरवैया ने चोर चंदन बदमाश हथियारा घेर भरा, मेरे साथ की सहेली मेरे पास से निकल भाग गई। वो हथियारा मुझे घेर करके मेरे पर छुरा मार डाला। क्या हथियारा ने छुरा मार डाला? तो मैं यहाँ पत्तीपुर के बांस मार की खड़ी हो गई है। यह बांस को काटने के लिए मणिपुर शहर से एक डोमा आया था। वो डोमा को मैं जवाब की डोमा, यह बांस को तुम नहीं काटो। अगर यह बांस को काट लीजिए, अगर तुम आओगे तो तुम दोनों पुरानी खुर मगर करके मर जाओगे। यह बांस को वही लड़का काट सकता है जो लड़का मेरे सिर में सिंदूर भरा है। आप मेरे पतिदेव हैं। हाँ भैया, मैं तो इसी बात को मानता हूं कि जब इस बांस को कोई नहीं काट सका तो मैं ही क्यों काटा, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूं। चलो रानी, मैं यहां से अपने घर को चलो और वहां से विदाई करके तुम्हें ले जाऊंगा। स्वामी जी बोलो प्रिया, यहां से आप मणिपुर जाने के लिए चाहते हैं कि तारापुर जाने के लिए चाहते हैं? यहां से तारापुर चलो। नहीं, अब यहां से एक बार आप बसिया में आवाज दीजिए, मैं बस में बसिया में प्रवेश कर जाऊंगी। अच्छा, आप यहाँ से चले जाइए मणिपुर शहर। मणिपुर शहर में जाकर के मेरी महलवी, मेरी बड़ी बाबी माँ होगी, मेरे बड़े भैया होंगे, और दोनों से आप बिदागरी मांगेंगे। अरे बेवकूफ, अगर मैं तुम्हारे घर को गया मैं पूछूंगा कि मुझे बिदागरी चाहिए, तो उसने कहेगा कि उसका हत्या हो गया, इससे ज्यादा क्या कहेगा। लेकिन दुख तो इस बात का है प्रिय कि जब मेरी पत्नी का हत्या हो गया तो मुझे खबर क्यों नहीं चला, इसका मतलब मैं अवश्य लूंगा। मैं बांसुरी बजाता हूं, तुम इसके अंदर। ठीक है स्वामी जी, आपकी हंसी मणिपुर शहर को चले जाइए। एक बार आप बस्या मावा दीदी में उसमें प्रवेश कर जाओगे। स्वामी जी देवी यहुआ दिशा हो बेटी दिशा के आजू दिन बसिया।